अंबाला में शिव कुटीर मंदिर कीर्ति नगर में 7 दिनों से चल रहे भागवत कथा का आज समापन हुआ, जिसमें महाराज डॉक्टर स्वामी महामंडलेश्वर श्री चैतन्य महाराज जी ने अपने प्रवचनों से समा बांधा, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भगवत कथा का आनंद लिया, जिसमें उप प्रधान नरेंद्र आहूजा, बंत राम धीमान, पंडित सतीश शर्मा, संघ रक्षक सतपाल सब्बरवाल, महिला मंडल कमलेश सब्बरवाल, ललिता मुख्य यजमान, विजय कुमार सम्बरवाल, अन्य विनोद अग्रवाल, रमेश अग्रवाल, आनंद कुमार एवं अन्य गण मौजूद रहे एवं भंडारे का आयोजन किया गया। मेरा नाम नरेंद्र आहूजा है। मैं शिव कुटीर ट्रस्ट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हर साल की भांति इस वर्ष भी जो है, हम शिव कुटीर ट्रस्ट की तरफ से शिव कुटीर धर्मशाला कीर्ति नगर के अंदर 24वां वार्षिक उत्सव जो है श्रीमद् भागवत कथा का मनाने जा रहे हैं। और यह हमने जो है सबसे पहले 15 तारीख को यहाँ शिव कुटीर मंदिर की तरफ से शोभा यात्रा निकाली गई थी, उसके तत्पश्चात 16 तारीख से लेके आज 22 तारीख तक, दिनांक 22 तारीख तक, 22/4/2019 तक आज श्रीमद् भगवत कथा का जो अपना क्या कहते हैं आज समापन है यहाँ पे 22 तारीख को, और संतों के प्रवचन के बाद यहाँ पे भंडारा होगा, भंडारे का आयोजन किया जाएगा। और इस दौरान सातों के सातों दिन जो है डॉक्टर स्वामी शिव चैतन्य जी महामंडलेश्वर जो हैं हमारे शिव कुटीर ट्रस्ट के, उनके मुखारविंद द्वारा यहाँ के जो है संतों ने बहुत अच्छे प्रवचन किए हैं और यहाँ की जनता ने बहुत ही सहज सरल तरीके से इस कथा को जो है उनके मुखारविंद के द्वारा सुना है और इस कथा का भरपूर आनंद लिया है। और आज 22 तारीख को इसका समापन होने जा रहा है। आज यहाँ पे संतों के प्रवचन के बाद उसके बाद भोग लगाया जाएगा और भंडारा होगा। अंबाला से मोनिका की एक खास रिपोर्ट।